तो आज का हमारा जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। पिछले लेक्चर में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वाई ए स्केलर टू ए मैट्रिक्स हमने किया था और उस पर क्वेश्चन भी किए। तो मल्टीप्लिकेशन जो है दो मैट्रिक्स की जो है वो इम्पोर्टेंट है और बड़ा ध्यान से आपने देखना है इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। इसका जो मेथड है, मेथड क्या है कि जिससे भी आपने मल्टीप्लाई करना है जिन दो मैट्रिक्स को, जो पहली मैट्रिक्स है उसके एक कॉलम और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके रो बराबर होने चाहिए, तभी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं कुछ मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। आपने चेक करना है इनमें से किनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। देखो मैंने कहा जब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो जो फर्स्ट प्लेस पे जो मैट्रिक्स होगी उसके कॉलम और दूसरी के रो इक्वल होने चाहिए। अब ये वाली जो मैट्रिक्स दो हैं इसके फर्स्ट ये कॉलम कितने हैं? दो। रो कितने हैं? थ्री हैं। तो ये आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ देखें कितने कॉलम है, रो कितने हैं, तो क्या इसे मल्टीप्लाई कर पाएंगे? यस सर। कर पाएंगे। थर्ड वन देखें कितने कॉलम है, रो कितने हैं, तो क्या इसे मल्टीप्लाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या है? देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ फिर देखते हैं। चलिए मैं कोई एक यहाँ ए मैट्रिक्स इनका नाम ले लेता हूँ, ए इंटू बी। ये ए है, ये बी है, इसमें एलिमेंट है 1 0 -1 2 5 और इसमें ले लेते हैं 1 5 2 0। एक जैसे हो गए है ना। चलो इसे 4 मान लेते हैं। तो हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला स्टेप क्या है कि क्या फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम हैं क्या वो सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर हैं? Yes, sir. अगर बराबर हैं तो यू कैन डू मल्टीप्लिकेशन। अब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे है? आपने क्या करना है, ये एरो है, ठीक है, आपने इस एरो को तोड़ देना है। चलिए समझ गए, तोड़ दिया है। यहां पे हमने यही मेथड यूज करना है, ये गया और ये गया। समझ गए। अब आप देखें इस रो में कितने एलिमेंट हैं और इस कॉलम में कितने एलिमेंट हैं, तो तभी मल्टीप्लाई करेंगे हम। समझ गए मेरी बात। हमेशा आपने इसी पैटर्न पे ये मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, तो यहां पे देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और एलिमेंट बनेगा 1। फर्स्ट वन मतलब फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट है वो बनेगा आपका। देखो कैसे, 0 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस
सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, रो फर्स्ट ही रहने देनी है, लेकिन आप कॉलम अब, तो आपके पास फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट मिलेगा आपको। तो जीरो को फाइव से, जीरो मल्टीप्लाई फाइव प्लस का साइन लगाना है, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई, माइनस वन मल्टीप्लाई फोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो टू को वन से करेंगे, टू इंटू वन प्लस, फिर ये वन नहीं है, चल माइनस लिखा, चलिए आगे टू इंटू फाइव प्लस फाइव इंटू, तो आप इसे सॉल्व कर लें, जीरो इंटू वन जीरो, माइनस टू जीरो, माइनस फोर टू और टेन ट्वेल्व, सेवन और ट्वेंटी, नहीं टू इंटू फाइव टेन, फाइव क्या आएगा, तो दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड के रो बराबर होने चाहिए, फिर आप मल्टीप्लाई करने का आप ये देखें, ऐसे चलना है और ऐसे चलना है, इस पोजीशन में एलिमेंट और इस पोजीशन में एलिमेंट सेम होने चाहिए, सेम मतलब अगर इसमें दो हैं तो इसमें भी दो हैं, तो आपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ फर्स्ट वाले को फर्स्ट के, यहाँ जो सेकेंड है ये सेकेंड पे एलिमेंट करना अपने, ठीक है। अमूमन हम क्या करेंगे, जीरो को भी इससे कर देंगे, वन को भी इससे कर देंगे, अमूमन आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें से, ये जो मैंने लिखा है इसी को ले लेते हैं, ये आपके जो एक्सरसाइज है 3.2 उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट है। तो हमने इसे मल्टीप्लाई करना, दो मैट्रिक्स हमारे पास, तो हमारा पहला स्टेप है कि पहले के कॉलम दूसरे के रो बराबर होने चाहिए, तो पहले के कॉलम कितने हैं, वन टू, और सेकंड के रो कितने हैं, टू, तो आपके पास इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं जी। हाँ जी, क्या मेथड था है कि एरो को तोड़ देना अपने, ठीक है। तो अब फर्स्ट प्लेस पे जो फर्स्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू को टू से करेंगे, फिर आपका रो फर्स्ट ही रहेगा, क्या आ गया, टू माइनस सिक्स, फिर रो फर्स्ट ही रहेगा और कॉलम क्या आएगा, वन इंटू थ्री माइनस टू इंटू वन। अब क्या करेंगे, टू इंटू वन थ्री इंटू टू, टू इंटू टू थ्री इंटू थ्री, टू इंटू थ्री थ्री इंटू वन, और आपके पास क्या आंसर आ गया, माइनस थ्री माइनस फोर वन, ठीक है। इस प्रकार आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ से एक और रिजल्ट निकल के आता है, वो क्या रिजल्ट है ये देखो, ये जो मैट्रिक्स है पहले वाली इसका ऑर्डर क्या है बेटा, और सेकंड वाली का ऑर्डर क्या था बेटा, टू इंटू थ्री, फर्स्ट रो लिखते हैं ना, सेकंड में कॉलम। अब देखो जब आपने मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या ऑर्डर आया बेटा, क्या आया, टू रो आए हैं, थ्री कॉलम आए हैं। अब ध्यान से देखो, इसने क्या लिया कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके इसने रो लिए और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके इसने कॉलम लिए, तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है। अब क्या अगर मैं इसको जनरली लिखूं कि ए आई जे
एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है वी आई जे, इसको अलग से लिख देता हूँ एन इंटू पी, मतलब रो एन रो पी कॉलम। तो जब मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ए आई जे बी आई जे, जहाँ इसको सी लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके मान लो आपके पास सी आई जे आएगा। तो आप इस मल्टीप्लिकेशन की जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा? एम क्रॉस पी, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के रो आएंगे, सेकंड के कॉलम आएंगे। ठीक है, ये रिजल्ट आपने याद रखना है, हो सकता है आपको मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा जाए और इस एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन हैवी आ जाए। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो एडिशन हम पहले कर चुके हैं, सब्ट्रैक्शन हम पहले कर चुके हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का ही था हमारे पास। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज। नेक्स्ट देखें कि व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये मेरे पास यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिखी है, तो मैं यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स है, मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करना चाहता हूँ। ट्रांसपोज का मीनिंग ये है कि आपने रो के कॉलम बना देने हैं या कॉलम के रो बना देने, दैट इज़ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इतना ऐसा काम है। हम मेरे पास यहाँ पे ए एक, ये एक मैट्रिक्स है, हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज का मतलब है कि इसका आप ए डैश, उसे हम डैश से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फर्स्ट रो को आपने लिख देना बेटा कॉलम में, कोई चेंजेस नहीं करनी, जस्ट फर्स्ट रो को उठा के फर्स्ट कॉलम बना देना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, और दिस इज योर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अगेन ट्रांसपोज कर लेते हैं। आपने ट्रांसपोज किया, मैं फिर से इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके जो रो है क्या बनाने पड़ेंगे? बनाओ, फर्स्ट रो क्या है? माइनस फाइव फाइव माइनस टू, सेकेंड रो टू सेवन वन। आप ध्यान से देखिए, क्या ये ए नहीं है? तो क्या रिजल्ट निकला कि किसी मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज करें, अगेन ट्रांसपोज कर दें, तो वो आपको ओरिजिनल वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमने क्या प्रूव करना है कि a माइनस बी का ट्रांसपोज जो है वो a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। कुछ इसकी प्रॉपर्टी है वो आपने देख लेना, वीडियो से आपको पता चल जाएगा क्या प्रॉपर्टीज हैं। मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसने कहा कि a माइनस बी फाइंड करें, फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड करें, फिर कहता प्रूव करके बताएं कि a ट्रांसपोज में से b ट्रांसपोज माइनस करें तो वो बराबर होगा। तो यहाँ पे हम पहले a माइनस बी फाइंड कर लेते हैं बेटा। a मैट्रिक्स में b मैट्रिक्स को माइनस कर लेते हैं, तो हमें आता है करना, ये और b आपस में माइनस करें, तो माइनस वन में माइनस फोर गया बेटा, टू में से माइनस वन वन गया, थ्री में से माइनस फाइव गया, फाइव में से वन जाएगा, सेवन में से टू जाएगा, नाइन में से ज़ीरो जाएगा, माइनस टू में से वन जाएगा, वन में से माइनस थ्री जाएगा, वन में से वन जाएगा। अब आप इसे क्या करें? ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज का क्या मीनिंग है कि जो रो है वो किस में कन्वर्ट कर देने हैं? कर दो, थ्री वन एट फोर फाइव नाइन माइनस दिस इज योर ए माइनस बी का ट्रांसपोज। अब हमने प्रूव करके बताना है कि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज हमने यहाँ फाइंड किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं बी ट्रांसपोज फाइंड कर लेता हूँ। चलिए बी ट्रांसपोज, हाँ बताएं जी, अब हम ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ए ट्रांसपोज ये है, बी ट्रांसपोज ये है, माइनस करें,
जब इसमें से माइनस करेंगे प्लस नहीं हो जाएंगे। फाइव को वन में से करेंगे कितना आएगा? वन को माइनस टू से करेंगे, वन को टू से माइनस करेंगे, टू को सेवन में से माइनस करेंगे, थ्री को वन में से माइनस करेंगे, माइनस फाइव को थ्री से माइनस करेंगे, ज़ीरो को नाइन से माइनस करेंगे, वन को वन से माइनस करेंगे। इन दोनों को चेक करो, सेम है। तो ये कोई बड़े मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जब जैसे छोटी क्लासों वाले पाँचवीं छठी के क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन थे। बट इसमें आपने ये चीज़ें याद रखनी है, कहीं पे भी आपने माइनस या कोई एक भी डिजिट को आगे पीछे कर दिया तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा और ठीक नहीं हो पाएगा उसके बाद, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नोट कर लें, फिर इसके एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, सिमेट्रिक तो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का क्या मीनिंग है? सिमेट्रिक का मीनिंग है जब आपने किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया और वो फिर सेम मैट्रिक्स आ जाए, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कहने का मतलब है कि जब आप ए को मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करें और अगेन आपको वो मैट्रिक्स सेम मिले तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे मैंने ये पहला ए एक मैट्रिक्स लिया, हम इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज फाइंड करने का मेथड क्या है? तो ये आ गया रूट रूट थ्री माइनस वन। अब दोनों को चेक करो, देखो ट्रांसपोज करने पर भी उसकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया, जो जो एलिमेंट जहां थे वहीं पे आ गए। तो हम लिख सकते हैं ए डैश इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स हुई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में क्या होगा कि जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करें अगर वो माइनस आ जाए अपनी मैट्रिक्स का माइनस आ जाए तो उसे हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्री। मैंने एक बी एक मैट्रिक्स ली है, इसे हम ट्रांसपोज करके देखते हैं तो क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है, चेक करते हैं। देखो वी डैश फर्स्ट रो जीरो ई एफ ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना, मैं बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और अंदर हर एक एलिमेंट को भी माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा। मतलब माइनस मतलब माइनस वन या माइनस एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने माइनस वन लिख लिया बाहर, मतलब माइनस लिखा और अंदर मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई स्केलर मतलब कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है, वो अगर मल्टीप्लाई कर रहा है मैट्रिक्स साथ तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो मैंने अंदर बाहर किया तो मुझे अंदर भी करना पड़ेगा। तो ये ज़ीरो को करो माइनस से, माइनस ई प्लस ई क्या ये जो मैट्रिक्स है बी नहीं है? तो यहाँ पे जो बी है वो एक स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है और जो ए है वो एक सिमेट्री मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगी और उसने पूछना है आपसे कि इसे आप एक्सप्रेस करिए इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब एक ही मैट्रिक्स को आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में एक्सप्रेस करना, मतलब रिप्रेजेंट करना आपने। ठीक है, तो उसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट करना तो कर लो। चलिए नेक्स्ट हम कर रहे हैं कि हमने एक मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमारे पास एक मेथड है,
कि जब किसी मैट्रिक्स को आपने सिमेट्रिक शो करना है वो आएगा 1/2 ए प्लस ए डैश, और जब स्क्यू सिमेट्रिक तो ए माइनस ए डैश हाफ। इन दोनों को प्लस करके आप ए कोई मैट्रिक्स है तो आप लिखेंगे पी प्लस क्यू। तो ए मैट्रिक्स को हम किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी। पी क्या है, सिमेट्रिक पार्ट, और क्यू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ठीक है, फार्मूला मैंने लिख दिया कि आपने सिमेट्रिक पार्ट कैसे निकालना है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट कैसे निकालना है। मैंने एक यहाँ पे मैट्रिक्स ले लिया ए, तो चलिए इस मैट्रिक्स ए को हम एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हमने पी फाइंड करना है। अगर पी नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं सिमेट्रिक पार्ट, जैसे आपको ठीक लिखे। तो सिमेट्रिक पार्ट 1/2 ए प्लस ए डैश। ओके, तो आपने डायरेक्ट फाइंड करना तो आप डायरेक्ट कर लें। तो यहाँ पे ए है आपके पास, तो मैं ए डैश फाइंड कर लेता हूँ। हाँ जी, क्या आ गया, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, ए ए कितना मेरे पास 1/5 -1 2 प्लस ए डैश 1 -1 5 2। तो ऐड कर लें, 1 1 5 1 4 -1 5 4 2 2। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये सिमेट्री पार्ट। इस ए का ये सिमेट्री पार्ट आ गया। अब हमने स्क्यू सिमेट्री फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखिए एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। हाँ जी, 1/2 करली ब्रैकेट, पहले ए लिखें, ए है मेरे पास 1 5 -1 2, फिर माइनस लिखें और ए डैश 1 -1 5 2, ब्रैकेट आप करली बंद कर दें, आके 1/2 करली ब्रैकेट, ज़रूरत नहीं है इसकी, आप इसे सॉल्व करें। हाँ जी, 1 में से 1 क्या बेटा, 5 में से 1 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -1 से 5 4 -6 -6 और 2 में से 2 गया, सॉरी। तो दिस इज योर सिमेट्री पार्ट, मतलब हमने इस ए का सिमेट्री पार्ट निकाल दिया और इसका अब आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन आपको एक्सप्रेस है, तो आप क्या करेंगे, ए आप पहले सिमेट्री पार्ट, तो आप इसे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, अगर सॉल्व होता है सॉल्व कर लें, इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आप लिख सकते हैं 1 2 प्लस 0 0 0, और इसे सॉल्व नहीं करना है। कई बच्चे क्या करेंगे, लास्ट में इन दोनों को ऐड कर देंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमने इस ए को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक पार्ट आ गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। बात समझे कि नहीं समझे, हमने इसी फॉर्म में आंसर देना है, इसको आगे सॉल्व नहीं करना, इनको ऐड नहीं करना, ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा ए, देख लो। अगर ऐड करेंगे ना 1 0 1 2 3 5 2 -3 -1 2 0 2, ऐड करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि हमने ए को स्प्लिट कर दिया, ए को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहला पार्ट सिमेट्रिक, दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक में। ठीक है, चलिए नोट कर लो। देखिए ये एक क्वेश्चन है 17 एक्सरसाइज 3.2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स ए गिवन है और एक आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको गिवन है, और आपने फाइंड करना है के, और रिलेशन आपको गिवन है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई ए माइनस टू आई, ये आपको रिलेशन गिवन है। तो यहाँ से आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ए है बेटा, आई है, ए स्क्वायर नहीं है, हमने पहले ए स्क्वायर फाइंड करना है, तो पहले ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब
ए मल्टीप्लाई ए, ए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 3 - 2, 4 - 2 और इसे इसी के मैट्रिक्स के साथ ही आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं मैं कितना का आपको आता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मैंने बोला एरो को तोड़ना तो एरो को आगे तक ले गया है, तो 3 - 3 - 2, 4 - 8, फिर फर्स्ट रो ही रहेगी 3 - 2 - 2 - 2, फिर से बोल रहा हूँ सिर्फ माइनस प्लस का ही खेल है, अगर आपने कहीं पे भी माइनस प्लस गड़बड़ कर दी क्वेश्चन गलत। सेकंड रो 4 - 3 - 2, 4 - 2 - 2 और मेरे पास ए स्क्वायर आ गया बेटा 1 - 2, 4 - 4, दिस योर ए स्क्वायर। और हमारे पास है रिलेशन, वी हैव ए स्क्वायर इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई ए माइनस टू आई। ए स्क्वायर लिखें वैल्यू 1 - 2, 4 - 4 के ए, ऐसे ए कितना है 3 - 2, 4 - 2, आगे माइनस टू आई, आई भी गिवन है 1001। अब आपने करना क्या, देखिए ये 3.1 में जो क्वेश्चन हमने किया था यहाँ पहुँच गए हम, क्या था उसमें कि अगर कोई मैट्रिक्स के बाहर कोई स्केलर है तो वह हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी अंदर सब साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगला स्टेप हमारे पास क्या है, 1 - 2, 4 - 4 लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज राइट हैंड साइड, तो मेरे पास यहाँ पे बन गया 3k और -2002। चलिए नेक्स्ट हमारा डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स बन गया, ये एक मैट्रिक्स है ये दूसरी मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या कर रही हैं, माइनस कर रही हैं, तो माइनस कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - 2, 4 ए एज इट इज इक्वल टू, इन दोनों को आप माइनस कर दें 3k आगे, हाँ जी 4k - 2k - 2, ठीक है जी। अब हमारे पास ये क्वेश्चन किस टाइप का बन गया, कौन सा इक्वल मैट्रिक्स, कौन से मैट्रिक्स बनी इक्वल मैट्रिक्स, इसलिए क्योंकि बीच में इक्वल का साइन ना, दोनों के जो ऑर्डर है वो सेम है, ये भी 2 by 2 है, ये भी 2 by 2 है, बीच में इक्वल का साइन है, तो दे आर इक्वल मैट्रिक्स। और इक्वल मैट्रिक्स अगर हैं तो उनका क्या करेक्टरिस्टिक है, कॉरस्पॉन्डिंग, तो कोई एक आप एलिमेंट ले लो तो आपको के की मिल जाएगी। तो मैं पहले लेता हूँ 1 = 3k - 2, चलो कोई ले लो एनी बॉडी जो आपको ठीक लग रहा है, 3k - 3k = और ले लो कोई, ये ले लो 4k - 4k - 2, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है, समझ आ गया सबको। चलिए नोट कर लो, एक टेस्ट ले लेते हैं आपका कि हमने पढ़ा है इसके बारे में, तो देखते हैं कितना आपको आता है। तो फर्स्ट यहाँ पे दो मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी, और दोनों ही ऑर्डर 3 by 3 है, ठीक है, सब दोनों का ऑर्डर 3 by 3 है ना। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है करने को, तो के मल्टीप्लाई ए इसका क्या मीनिंग है कि करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये 4 है मेरे पास अभी, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ, देखो तो क्या ठीक है मेरा क्वेश्चन, के ए और ए की वैल्यू कितनी ली मैंने 4 है, तो मल्टीप्लाई करो तो इसे क्या होता है, हाँ हर एक एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ये ठीक है। तो मैं के की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, देखो के की वैल्यू कितनी कर दी मैंने, और देखो चेंज हो गया,
देखो मल्टीप्लाई करके, ठीक है हमारा, चेक करो। ठीक है सर। और भी हैं क्लास में जिनको वैसे ही बैठे हैं, वो पैसिव आई बैठे हैं, हम उनके लिए भी है। क्या फाइव से मल्टीप्लाई हो गया? Yes, और चेंज कर देता हूँ के की वैल्यू, सिक्स कर दी मैंने के की वैल्यू। अब देखो तो सभी एलिमेंट के साथ ये है सिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हमने किया था कि दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो यहाँ पे मैंने दो मैट्रिक्स ली हुई हैं तो दोनों को ऐड किया है। तो चेक करें क्या हमारा एडिशन ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना होता हमने, चेक करो। ठीक है। चलिए फिर माइनस करके देखते हैं, माइनस करके देखें क्या कोई गलत तो नहीं है कोई एलिमेंट। ये भी ठीक है। मल्टीप्लाई वाला देखो ये रंग, मल्टीप्लाई वाला देखो गलत है, करके देखो। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके देखिए क्या हमारा 146 बनता है। हाँ जी गलत है। कैसे गलत है? 15 मल्टीप्लाई 6 90, 8 मल्टीप्लाई 7 56 और कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई 0, तो क्या 146 नहीं बना? तुम कह रहे हो गलत है। नहीं सर ठीक तो है, सर ठीक है। तो ये कह रही ना शानवी गलत है। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो मैंने कहा एरो को तोड़ दो, दिस इज एरो, ठीक है। चलिए अब मैं नई प्रॉब्लम लेता हूँ, यहाँ पे ए और बी चेंज कर देते हैं। देखो ए बी चेंज हो गए, चेक करो, सब चेक करो। नई न्यू प्रॉब्लम ले ली मैंने, ए और बी देखो चेंज कर दी मैंने। अब देखो हो गया, कोई और भी देखें, एक और प्रॉब्लम ले लें। चलो एक और न्यू प्रॉब्लम लेता हूँ। अब देखो ए और बी फिर चेंज हो जाएंगे, ए और बी चेंज हो गए, चेक करो। अब वन में वन चेक करो, लक्ष्य हो गया आपका, करो, देखना नहीं है करना है, फटाफट करो, अपना अपना इंडिविजुअल करो आप। ये पहले तीन तो मुझे लगता है कोई समस्या नहीं है, समस्या यहाँ है बस, इसको आप ध्यान से करो, ये तो आपको ठीक है फटाफट है, ये तो प्लस माइनस ही करना है। बाकी को हटा देते हैं। चलो चलिए पहले इसी को देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ही देख लेते हैं। चलिए एक एक लास्ट कर लेते हैं, चलिए एक और लास्ट, एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं लास्ट मल्टीप्लिकेशन की। चलिए चेंज कर दिया मैंने तो ये मल्टीप्लिकेशन आई, क्या ठीक है? चलो मैं इसे हटा देता हूँ, आप मल्टीप्लिकेशन करें फिर मुझे बताएं इसका क्या आंसर है, फिर मैं बताता हूँ बाद में। चलिए तो देखते हैं क्या आंसर यहाँ पे और आपका कितना आया, चेक करते हैं जी, करिए चेक जी।
21 माइनस 35 1 48 27 70 और माइनस 155 है 120। तो चलो जितना मैं जिसका हो गया है बाकी आप चेक कर लेना, यहाँ से गलत नहीं होगा क्योंकि ये मैंने जैसे बनाया है ये यहाँ से नहीं गलत होगा, आपने कहीं माइनस या प्लस का कुछ गड़बड़ कर दिया है जिस वजह से आपका क्वेश्चन जो है गलत हुआ है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए जितनी आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।